Hey guys, welcome back to our YouTube channel Man Imperfect. It's me, a friend Hansraj here. Guys, in our previous lecture, हमने complete कर लिया था अपना chapter number 13, that was electrostatics. Okay? आज हम move करते हैं new chapter के साथ, that is current electricity. So before starting, हम वही काम करेंगे जो हम हमेशा से करते हैं, check करेंगे specifications को. So यहाँ पे आ जाएं आप. You can see के करंट इलेक्ट्रिसिटी में से आपके पास आने हैं चार एमसीक्यू, ओके, चार एमसीक्यू एंड एक ईआरक्यू आना है. मतलब आपने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो इनमें से जो आपके पास ईआरक्यू आएगा वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज दोनों में ना कॉन्सेप्ट्स ना बहुत ही सिमिलर हैं, या कहो एक दो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सेम है, ओके. और मेन चीज़ चार चार एमसीक्यू आने हैं, सो इस पे फोकस करना है, सारी बातें. सो लेट्स स्टार्ट एंड चेक कि आपका पहला एसएलओ क्या कहता है. सो हम पहुंच गए यहाँ पे. 14.1 कहता है इलेक्ट्रिक करंट. 14.1.1 डिफाइन करो इलेक्ट्रिक करंट को. एंड 14.1.2 कहता है डिफरेंशिएट करो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल करंट को. ओके, ये दो टाइप्स हैं, डिफरेंशिएट करना है. सो लेट्स ओपन अर कॉपी एंड डिफरेंशिएट ओवर देयर. सो गाइस, कहता है आपको डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक करंट को. सो उससे पहले ज़रा रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस चैप्टर की. तो हमारे पास दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं, ओके, और इन चार्जेस की वजह से आपके पास है ना करंट बनता है. कैसे बनता है, लास्ट चैप्टर हमने देखा था इलेक्ट्रो, ओके, स्टैटिक्स, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन का हो या बेसिकली चार्जेस का हो, चार्जेस वो है ना रेस्ट पे थे आपके पास, ओके. अब जब ये चार्जेस आपके पास मोशन में आ जाएं, इन चार्जेस को हम लेके आ गए मोशन में, सो अब हम कहेंगे इसे करंट. जब चार्जेस रेस्ट पे हैं तो वो चार्जेस हैं, अगर ये चार्जेस मोशन में आ गए तो ये करंट है. करंट की बेसिकली एक ऐसी डेफिनेशन है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, के करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ओके. और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से. आई मतलब मैं तो ऐसे लिखता हूँ, अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं करंट को, ओके. सामने क्या कहा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. सो सिंपल है कि आई इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला बना रहा हूँ कि चार्जेस और डिवाइड कर दो बाय टाइम से. सो करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ओके. अब इसकी एक डेफिनेशन तो ये होगी आपके पास. दूसरी डेफिनेशन आपके पास है कि आई मीन्स करंट इज़ द नेट अमाउंट, ओके, नेट अमाउंट ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया इन अ यूनिट टाइम. सो ये एक और इसकी डेफिनेशन होगी आपके पास, ओके. सो इट इज़ दी कह सकते हैं कि ऑफिशियल डेफिनेशन के नेट अमाउंट ऑफ चार्जेस जो कि पास हो रहे हैं किसी भी कंडक्टर से या किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, और वो भी एक गिवन टाइम के अंदर, सही है. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ करंट. सो आपका एसएलओ नंबर जो है 14.1.1 इज़ कम्प्लीटेड, जिसमें आपको करना था डिफाइन करंट को, ओके. हमने इसका सिंबल भी देख लिया, इसका फॉर्मूला भी देख लिया. अब बात आती है इसका यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट. सो इसका एसआई यूनिट जो है वो आपके पास है, एसआई यूनिट वो है आपके पास एम्पियर, ओके. एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम पे आपके पास करंट का एसआई यूनिट बनाया दिया गया है एम्पियर, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से. सो यहाँ तक आपकी करंट की गाड़ी होती है ख़त्म. आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला है क्यू ओवर टी. दूसरे भी फॉर्मूलाज आपके पास आएंगे इस चैप्टर में जिन्हें हम डिस्कस करेंगे आगे. सो अभी के हिसाब से जस्ट करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, फाइन, और इसका एम्पियर ऐसा यूनिट है एम्पियर.
आगे बढ़ते हैं, हमें करना है डिफ्रेंशिएट। तो एक होता है आपके पास कन्वेंशनल करंट, ओके, और दूसरा आपके पास होता है नॉन कन्वेंशनल, या इसे हमें ना इलेक्ट्रॉनिक करंट भी कहते हैं, सही है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट, ओके, ये दो टाइप्स हैं करंट की, ओके। सो बेसिकली आपके पास है ना करंट की ये दो टाइप्स आपके पास बेस की गई हैं इस बिना पे कि साइंटिस्ट ने एक गलती की थी। वो ये है कि जब तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की खोज नहीं हुई थी, जब तक हमें पता नहीं था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तब तक हम क्या समझते थे कि करंट जो है वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है, ओके। सो आपके पास कन्वेंशनल में कहते हैं कि करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ओके। पॉजिटिव चार्जेस मतलब पॉजिट्रॉन्स, फाइन। और नॉन कन्वेंशनल में हम कहते हैं कि करंट जो है वो है फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स। एक और चीज़, पॉजिट्रॉन अलग होते हैं और प्रोटॉन्स अलग होते हैं, सो इन्हें ना आप मर्ज मत कर देना। सो हम कन्वेंशनल में कहते हैं कि करंट जो वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक करंट में कहते हैं कि करंट जो है वो फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस है। बेसिकली ये है, जब तक हमने इलेक्ट्रॉन को नहीं खोजा था, साइंटिस्ट को पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज़ भी होती है, तब तक साइंटिस्ट ने ना ये समझा था कि करंट जो है वो बेसिकली ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस है, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं होता, ओके। सो जब हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन नाम की चीज़ होती है और इलेक्ट्रॉन के थ्रू करंट जो है ना पास होता है किसी चीज़ से, सो हमें पता चला कि करंट जो है वो बेसिकली फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होता ही नहीं है। सो हमारे पास है ना दो टाइप्स के करंट बन गए, एक बन गया कन्वेंशनल करंट, एक हो गया नॉन कन्वेंशनल। ये वाला करंट जो है ना कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, एंड दिस वन एग्जिस्ट करता है, ओके। सो अब आप पूछेंगे हम कन्वेंशनल करंट को क्यों पढ़ रहे हैं, सो इसका जवाब भी मैं देने वाला हूँ इसी वीडियो लेक्चर में। बेसिकली थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर मैं उसका जवाब दूंगा। एक और चीज़ आ गई कि कन्वेंशनल करंट जो है ना वो है मतलब कन्वेंशनल करंट फ्लोस फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, ओके। हमने लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा था, सो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है ना करंट पास होता है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल थ्योरी, लेकिन अकॉर्डिंग टू देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक या नॉन कन्वेंशनल थ्योरी, वो ये है कि करंट इज दी सॉरी करंट फ्लोस फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, ओके। सो बेसिकली ये दो पॉइंट्स हैं जो कि पूरी तरह से डिफ्रेंशिएट करके बता रहे हैं आपके पास, ओके। सो इनकी अब मैं बनाने वाला हूँ एक सर्किट जिसमें से मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा आगे। सो दिस इज़ दी बैटरी, और मैं इसमें लगा देता हूँ बल्ब, सपोज़ ये मेरा बल्ब है, ओके। अब ये होता है आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल, फाइन, और ये आपका बल्ब है, चलो। अब है ना पॉजिटिव से इस तरह से आपके पास करंट फ्लो करे, मतलब ये कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड जा रहा है। पॉजिटिव पोटेंशियल को हम हाई पोटेंशियल भी कहते हैं, ओके। सो इट इज़ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ओके। अब नॉन कन्वेंशनल की बात की जाए या इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए, उसमें भी यही होगा, आपने सेल बना दिया या बैटरी बना दी, उसमें बैटरी सॉरी बल्ब लगा दिया, ओके, और उसे आप लेके आ गए यहाँ पे। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लो टू हाई पोटेंशियल जाएगा करंट, और
ये क्या है, नेगेटिव चार्जेस का फ्लो है। सो हम क्या करेंगे, लो पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल पे होता है, सो ये ना इस तरह से जाएगा करंट, मतलब लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। सो ये होगी आपके पास सर्किट डायग्राम। अब बात आती है कि हमें ना कन्वेंशनल थ्योरी जो है ना गलत साबित हो चुकी है, तो उसे यूज़ क्यों कर रहे हैं। सो एक चीज़ ये कि ना कन्वेंशनल थ्योरी को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपके पास जो इक्वेशंस होती हैं, बड़ी बड़ी वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, बड़े बड़े मतलब हम ना सॉल्यूशंस कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपके पास कन्वेंशनल थ्योरी को यूज़ करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन कन्वेंशनल थ्योरी। ओके, और दूसरी चीज़ ये है कि ना जब तक हमें पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज़ होती है और इलेक्ट्रॉनिक करंट भी होता है जो कि असल में होता है या जो रियली एग्जिस्ट करता है, इसकी हमें पता नहीं थी, बनक भी नहीं थी, तो हमें ना कन्वेंशनल थ्योरी पे बहुत ज़्यादा बुक्स लिख चुके थे जो कि आज तक बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में मौजूद हैं। सो लोग उन्हें रीड कर रहे हैं, इसलिए हमें ना उन्हीं को लेके चल रहे हैं। हालांकि रियलिटी क्या है, नॉन कन्वेंशनल करंट इज़ रियल, कन्वेंशनल करंट एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इस चैप्टर में हम जो कुछ स्टडी करेंगे वहाँ पे हम ये क्या करेंगे, सपोज करेंगे या ये इमेजिन करेंगे कि भाई ये जो करंट की बात हो रही है दैट इज़ कन्वेंशनल करंट, जब तक ये ना सवाल या वर्ड प्रॉब्लम या एमसीक्यू में आपके पास स्टेटेड ना हो कि ना नॉन कन्वेंशनल करंट है या इलेक्ट्रॉनिक करंट है या फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस है। जब तक ये तीन बातें आपके पास है ना स्टेटेड ना की गई हो सवाल में, तब तक आप समझेंगे कन्वेंशनल करंट है। ओके, सो विद दिस आपका एसएलओ नंबर 14.1 गेट्स ओवर कंप्लीटेड। आई होप आपको ये पूरा का पूरा पेज समझ आ गया होगा, ऑल दी कॉन्सेप्ट्स जो कि मैंने आज समझाए वो क्लियर होंगे आपको। इफ़ येस काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड काइंडली मूव टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बींग कनेक्टेड। बाय।